दोस्तों, क्या होगा अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वामपंथियों और कम्युनिस्टों ने केंद्र में अपनी सरकार बना ली? क्या होगा अगर ये हमारे देश के संसद में पहुंच गए और हमारे आपके लिए कानून बनाने लगे? आप समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। इन्हें बहुत लोग लिब्रांडूस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब को ढूंढे, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये कम्युनिस्ट, कैसे दिखते हैं ये कम्युनिस्ट, कहां से आते हैं ये कम्युनिस्ट। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलियोटिकाइज पर। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कम्युनिज्म शब्द का मतलब क्या है। कम्युनिज्म एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ वर्ड है जो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, कम्युनिस्ट और इज्म। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि टेररिस्ट को ही कम्युनिस्ट बोलते हैं। देखिए, इस सोच को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों में बहुत सी समानताएं होती हैं। कम्युनिस्ट और टेररिस्ट दोनों ही हरामी होते हैं, दोनों पृथ्वी पर बोझ होते हैं, दोनों दुनिया में आग लगाने के अलावा किसी काम में नहीं आते। ये दोनों न खुद जीते हैं और न ही दुनिया को जीने देते हैं। और सबसे बड़ी समानता ये है कि ये हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी स्कूल और कॉलेजेस में तो कभी दफ्तरों में। मेरे इस लाइन के बाद बहुत लोग अपने चाहने वालों पर भी शक करेंगे, कहीं मेरा या मेरी वो कम्युनिस्ट या टेररिस्ट तो नहीं। दोस्तों, आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर क्या ही अंतर है, इनमें सभी चीज़ें तो एक जैसी ही हैं। जी नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे एक टेररिस्ट बड़े भाई के कुर्ते और छोटे भाई के पैजामे में होते हैं, वहीं दूसरी ओर एक कम्युनिस्ट कोट और पैंट में। एक टेररिस्ट के हाथ में AK-47 होता है, वहीं दूसरी ओर एक कम्युनिस्ट के हाथ में पेन होता है। टेररिस्ट ISIS, अलकायदा, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट JNU, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिया इस्लामिया को ज्वाइन करते हैं। ये तो बात हो गई इनके एडुकेशनल विंग की। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल विंग की। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है CPI, CPIM, DMK, कांग्रेस और अभी तो एक और नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। केवल नाम में ही आम है, बाकी पूरा अंगूर है, और वो भी खट्टे वाले। दोस्तों, जो लोग टेररिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले पत्थरबाज बनना होगा, और जो लोग कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले सेकुलर बनना होगा। दोस्तों, अभी तक तो हमने देखा कि टेररिस्ट और कम्युनिस्ट एक नहीं होते। चलिए अब समझते हैं कि आखिर कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म है क्या। दोस्तों, कम्युनिज्म कुछ नहीं बल्कि एक विचारधारा है, यानी कि एक आइडियोलॉजी है जिसका बस एक ही लक्ष्य है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर खुद सत्ता में काबिज होना और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी क्रिएट करना जहां पर पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी रहे। दोस्तों, ये सब सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग डेमोक्रेसी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। दोस्तों, दुनिया में कम्युनिज्म का जन्म सबसे पहले 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। धीरे धीरे World War II के बाद ये ईस्टर्न यूरोप होते हुए एशिया और भारत में भी पहुंच गया। अभी वर्तमान समय का आलम ऐसा है कि ये हमारे और आपके घर में भी पहुंच गया है। कोरोना वायरस के ही तरह कम्युनिज्म के भी कई वेरियंट्स हैं, जिसमें तीन सबसे फेमस है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, लेनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म और माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। आई एम श्योर कि आप लोग इसके बारे में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी पढ़ रखे होंगे। हमारे भारत में ये पहला और तीसरा वेरिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ये माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म चाइना के चमगादड़ माओ ज़ेडोंग वाली ही है। भारत में कम्युनिज्म की नींव सबसे पहले 26 दिसंबर वर्ष 1925 को कानपुर में रखी गई थी। दोस्तों, चलिए अब एक समय के लिए हम और आप मान लें कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में वामपंथियों ने केंद्र में अपनी सरकार बना ली, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद का भारत कैसा होगा? कैसे कानून होंगे उस वक्त के भारत में? कैसे लोग हमारे लिए कानून बना रहे होंगे? मान लीजिए कि भारत के अगले प्रधानमंत्री कन्हैया कुमार या उमर खालिद जैसे लोग बन गए, तो पहली चीज़ ये करेंगे कि ये RSS और BJP को एक आतंकी संगठन घोषित कर देंगे, और सेम ब्रीड होने के कारण ये भारत के कुछ ज़मीन को चाइना को सौंप देंगे। NDTV और रवीश कुमार जैसे लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि इनके दामाद लोग ही उस वक्त सत्ता में बैठे होंगे। ये लोग पहले जैसे स्टूडियो में बैठे बैठे कैबिनेट डिसाइड कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर फिर से उसी दौर में जा चुका होगा जिस दौर से उसने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी,
अखंड भारत तो दूर की बात, पूरे भारत के कई खंड हो चुके होंगे। इनकी सरकार में बाहर से आए रिफ्यूजीज को घर आए दामाद वाला ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेरी तरह ही आपका भी सब कुछ जल चुका होगा। अगर आप चाहें तो अपने क्रोध को कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये महज एक कल्पना है, लेकिन इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ये बोलकर कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।